चलो ठीक है, माशाल्लाह जनाब, बताइए क्या कहते हैं इस्लामिक मोनोथिज्म अच्छा, अगर मैं आपको एक सुने मेरी बात, अगर मैं आपको ये कहूं कि अल्लाह इज मेंशनड इन बाइबल, ओके होएगा तो आप यूट्यूब में जरा जा सकते हैं अभी? बाइबल में नहीं, यूट्यूब में जाने की जरूरत नहीं, बाइबल में अल्लाह तो ईसा को कहा गया। नहीं, अल्लाह लिखा हुआ है, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, अरेबिक ईसा को में कहा, कन्वर्ट किया ना, अरेबिक अरेबिक में में, कन्वर्ट किया हाँ बाइबल को, ना ईसा को अल्लाह कहा हुआ ना बाइबल में, कहता रहा हूँ ये कैसे मुमकिन? बाइबल में अल्लाह ईसा को अल्लाह कहा गया हुआ, ईसा को ईसा ही कहते हैं यार, नहीं जीसस ईसा को ईसा। अल्लाह कहा गया हुआ। अगर मैं आपको दिखा दूं कि ईसा को अल्लाह कहा गया, क्या करेंगे यहाँ पे, मान लेंगे बाइबल को और अभी के अभी इस्लाम छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। हैं? तो फिर फायदा फिर बाइबल में की जा क्यों रहे हो? आपने कहा बाइबल में अल्लाह है, मैंने कहा बाइबल में अल्लाह ईसा को अल्लाह कहा तो गया है। हमारे खुदा का नाम है ना, तो बाइबल में आप गए हो ना, तो बाइबल में ईसा को अल्लाह कहा गया है। आप क्लियरली डिनाई कर रहे हैं। भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि बाइबल, जिस बाइबल की जो ट्रांसलेशन अरबी की आप दिखाना चाह रहे हैं, वहां पे ईसा को अल्लाह कहा गया है। ये कैसे प्रूफ? बाइबल के अंदर जो अरबी की बाइबल आपने पढ़ी है उसमें लिखा हुआ है। अल्लाह तो लिखा हुआ है, अल्लाह तो हमारे खुदा का नाम है। तो वहां पे बाइबल में ईसा को कहा गया, यही तो बोल रहा हूं। नहीं, बिल्कुल गलत। आप ओके, वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, अगर मैं दिखा दूं तो क्या करोगे? हाय एक स्कॉलर ने यूट्यूब में बताया हुआ है प्रॉपरली, यार, यूट्यूब के आप स्कॉलर देखे के तो सही कुछ ना। लगते, मैं सबसे बड़ा स्कॉलर हूं इधर आपके सामने बात कर रहा हूं। भाई आपने मुझे एक इज्जत दी है, मैं आपको कह रहा हूं, मैं अगर आपको बाइबल में ईसा दिखा दूं कि वो अल्लाह की बजाय ईसा को कहा गया है, क्या करोगे? मान लोगे ना बाइबल को फिर, कि ईसा अल्लाह है? देखें, अल्लाह तो लिखा हुआ है ना, तो भाई कह तो रहा हूं ईसा को कहा है बाइबल में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप दिखाएं जरा। मोमिन जी, मोमिन जी, एडम भाई एक मिनट, मोमिन जी आप जो बोल रहे हैं ना, एडम भाई का बोलने का मतलब वही है कि बाइबल में ईसा को अल्लाह बोला गया है, अल्लाह ये वर्ड है बाइबल में, वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट ईसा को वहां पे एज ए अल्लाह वहां पे मेंशन किया हुआ है, तो एडम एक भाई बात का बताऊं, बोलने। एक बात हाँ बताऊं, मोहम्मद भी मेंशन हुए हैं। हाँ, ओके ठीक है सर, मोहम्मद भी मेंशन है, पहले ईसा खत्म कर ले, अल्लाह खत्म कर ले, फिर मोहम्मद तक भी चले जाएंगे। यस, मोहम्मद इज ओके मेंशन इन ठीक बाइबल। है सर, मैं कह रहा हूँ मोहम्मद और तक जाएंगे याद रखें, मेरी। अल्लाह ने भी ये बाइबल भेजी, याद रखें, हाँ ओके, तोरा भी अल्लाह ने भेजी। बाइबल भेजी ना, अल्लाह ने बाइबल भेजी ना, उस बाइबल यस, में ईसा को अल्लाह कहा गया भाई, अब मैं क्या करूं? किधर कहां लिखा है? हाँ ये बात ना, अब आपने सवाल किया, ये ले पकड़े सर, अरबी बाइबल ले मेरी जान, मैं आपके साथ हूँ, ये नहीं, ले अगर पकड़े। दिखोगे तो ये क्या करेगा एडम, वो तो पहले पूछ लो। यार इसने क्या करना है, बच्चा है साला, कबूतरबाज वहां से आ गया कहीं से पढ़ के, यूट्यूब की वीडियो देख के, इसने अंब करना है। इसके असल में मोनोथिज्म दिखा दे, मैं इसको ये बात खत्म कर दूं, फिर मोनोथिज्म दिखाते हैं, देखें। अम्मा अन अल अबन फयकूल, और बेटे के बारे में उसने कहा, अर्श या अल्लाह बाकी इलल इला अबदी अल अबदीन, ओ अल्लाह तेरा अर्श बाकी रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। बेटा के बारे में खुदा बाप अपने बेटे के बारे में कह रहा है, हीब्रूज चैप्टर नंबर 1:8, खुदा बाप अपने बेटे के बारे में कह रहा है, ओ अल्लाह तेरा अर्श हमेशा हमेशा बाकी रहेगा, क्या करें सर? ईसा जिसको इबन अल्लाह कहा गया है बाइबल में, उसको इबन अल्लाह के अलावा अल्लाह ने, बाप ने, अम्मा अनिल इब्न, और बेटे के वाले में फयाकूल, उसने कहा, अच्छा अर्श या सुने, अल्लाह तेरा थ्रोन, तेरा अर्श, ओ अल्लाह, ओ ईसा जिसको या अल्लाह कहा गया है, तेरा अर्श हमेशा हमेशा बाकी रहेगा। अंग्रेजी के अंदर पढ़ लो, बट अनटू द सन, लेकिन बेटे के बारे में ही सदर, उसने कहा, बाप ने कहा, दाय थ्रोन ओ गॉड, ओ या खुदाया या अल्लाह, तेरा अर्श इज फॉर एवर एंड एवर। जी जनाब, अच्छा अल्लाह आप आ गया, क्रिश्चियन है क्या? आप क्रिश्चियन है? अल्लाह आ गया बाइबल में, अब क्या करें? नहीं, अच्छा, पहले मैं मुझे आपको यह बात इस, बताओ, अब अल्लाह आया बाइबल में कि नहीं? यस आया, नो, क्या ईसा अल्लाह हुआ बाइबल में कि नहीं? उल्लू के पट्टे क्या पढ़ रहा सामने? प्लीज ठंडी हो जाओ, गालियां ना दो। ये क्या पढ़ा है आपने? यहां पे ईसा अल्लाह हुआ है कि नहीं? ये कौन सी वर्सेस बताएं?
हीब्रू शुरू चैप्टर वाला नंबर वन चैप्टर वर्स है। नंबर 8। अच्छा चैप्टर वन है, वर्स 8 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ओके। आप क्रिश्चियन है क्या? हाँ जी, ये पहले मुझे अब इसका अच्छा, तो जवाब दे आप दे, मुझे ये बताएं कि पहले खुदा इसका का सन जवाब दे कैसे दे, हो सकता है? पहले इसका जवाब दे दे, क्या ईसा को अल्लाह कह दिया बाइबल में, हाँ या ना। देखें, उस वीडियो में बिल्कुल डिटेल यार बताया था, मैंने आप क्या पूछा देखें। यार, डिटेल में जो बताया, मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें जवाब दे रहा हूं। हाँ डिटेल में बताया, डिटेल में बताया, मैं कह रहा हूं वो डिटेल के अंदर अल्लाह जो है वो ईसा को कहा गया। अब बता ना मेरी जान, क्या कहता है तू, ईसा अल्लाह हुआ है कि नहीं हुआ। मैं इतना तो जानता हूं कि देखें, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर देखें भाई, यार सामने लिखी हुई है चीज, तुम्हारे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, स्क्रीन ने कहते, स्क्रीन कहते हैं। ये मेरी स्क्रीन है। देखिए, अब बताइए सर, ईसा अल्लाह है कि नहीं है बाइबल में। आपने मुझे समझाने नहीं आ गया, लेकिन वीडियो में क्लियरली हर चीज मेंशन हुई भी है। अरे भाई वीडियो में मोहम्मद भी जो भी मेंशन हुआ है। मेंशन है, मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ भाई। ये देखो बाइबल तो आप गेटवे है, मोहम्मद सलमान को ये क्यों डिनाइड बाइबल करते हैं? गेटवे है, ये बाइबल गेटवे है। हीब्रूज का चैप्टर नंबर 1 खोला है मैंने, नहीं, आप आपके लेफ्ट साइड डिनाइड के क्यों कर ऊपर, रहे हैं? आपके लेफ्ट साइड के ऊपर बाइबल इंग्लिश में है किंग जेम्स की ट्रांसलेशन के साथ, राइट साइड पे अरबी ट्रांसलेशन के साथ है, ठीक है। आपके पास दोनों वर्सेज हैं, मुझे बताएं क्या यहाँ पे ईसा को अल्लाह कहा गया कि नहीं कहा गया, हाँ या ना। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता तो फिर यहाँ पे मैं सब बकवास ही ना करें बाइबल पे। जब मैं आपको अच्छा, बाइबल में से एक जबकि चीज दिखाऊंगा, जब आपने उस चीज को देख के मानना ही नहीं है, तो मुझे बाइबल दिखाने की जरूरत नहीं है। अब अच्छा, मुझे पहले बता मुझे दें बताएं, मोनोथियज्म, गॉड का सन कैसे हो सकता कोई बात नहीं मुझे नहीं परवाह, जब है? आपने गॉड की बाइबल मानना ही नहीं डेफिनेशन है कोई कि वो मसला नहीं। एक एक है, कहां पे है कुरान में, दिखा दे कहां है है। और ये जो आप कह रहे हैं कि सर, हजरत दिखा ईसा दे कहां अलैहिस्सलाम है ने, कुरान में, अच्छा सुने, आप ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुरान क्रिएट में किया, कहां लिखा है गॉड क्या लिखा है? एक है। तौहीद बने सफल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसका मतलब है नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा, अल्लाह एक से ज्यादा भी हो सकता है। अभी दिखा रहा हूं मैं आपको, मोहम्मद भी अल्लाह है, नो, क्रिएटर है। किधर किधर लिखा है? अभी तो दिखाया मैंने सर, आपने स्ट्रीम नहीं देखी सारी, पूरी तो नहीं देखी। तो फिर मेरा कसूर नहीं है ना सर। लोगों की स्ट्रीम में तो आप पूरी देखते हैं, मेरी नहीं देखी आपने, क्यों नहीं देखी। अच्छा, पहले ये बताएं कि गॉड का सन हो ही नहीं सकता, यार मेरा कसूर ही नहीं लेकिन है भाई, गॉड को सन की वो जरूरत ही क्यों नहीं नहीं जरूरत है, ठीक है कोई बात नहीं, गोली है। और मारे। आप जब कहते हैं कि बाइबल सन, आपने, जब बाइबल पढ़ी है, मैंने आपको दिखा दिया उसने अपने इबन के बारे में क्या, वो अल्लाह है, तो अब मैं क्या करूं, बाइबल पे जा ही क्यों रहे हैं अगर नहीं हो सकता तो क्यों जा रहे हैं। इट्स अ कुरान से साइन बताए ना दैट अल्लाह इज अ ट्रू गॉड। सर, मैं यही तो, यार ये कैसे हो सकता है कि यस, बंदा मेंशन आएगा ना सारे कर्मा भाई। पढ़ लो, सब यूट्यूब कर्मा पढ़ क्यूब लो, वाला ला मुस्लिम इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। है ठीक भाई, यार, अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान बन गए। ठीक भाई, खुश हो गए आप भाई, बहुत शुक्रिया भाई। लॉजिक है साहिल यार, लॉजिक सुनिए इसकी तो। अच्छा, मोहम्मद भी तो जिक्र हुए मैंने। भाई आप बोल बोल रहे हैं बोल आप गॉड बोल मोहम्मद तू से उसको बोल डिनाई करें क्लियर, और आप यार, भाई साहिल बोल रहे साहिल हैं साहिल बोलने दो, साहिल को पूरे बोलो, पांच साहिल यार तू सेंटेंस इसकी बात कर, शायद तेरी बात को समझ आ जाए यार। भाई। तुम्हारी एज कितनी है? अब आप शॉक हो रहे हैं ना मेरे नॉलेज से। आई एम सो ओह माय नॉलेज गॉड, पर्सन, अल्हम्दुलिल्लाह। पता है साहिल मसला क्या है? साहिल मसला ये है कि एक चीज होती है गलत फहमी और एक चीज होती है खुश फहमी। तो गलत फहमी का इलाज हो सकता है, खुश फहमी का कोई इलाज नहीं होता। अरे अरे ये वो हमारे, मैं नहीं मानता। या अरे नाना जी टांग।
ये हमारे को हैंडसम बॉय है आज, नाम और डीपी चेंज करके आए हैं। यस थैंक यू सो मच फॉर एक्सपोजिंग मी। मैं ऐसा तो ना बोलो ना आपको अभी, एक्सपोज करूं, ऐसा तो ना बोलो ना। मैं आपको एक्सपोज करता हूं, आप एक्स मुस्लिम है ही नहीं, एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज कर दिया। आप पहले से ही काफिर थे, आप एक्सपोज कर दिया, आप क्लेम कर रहे हैं, और एक्सपोज कर दिया, आप एक्स मुस्लिम हैं ताकि आप मुसलमानों को मिसगाइड कर सकें। अरे ये तो पूरा ही एक्सपोज कर दिया। आप सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहे थे सब कुछ, अरे इतना एक्सपोज नहीं करो आप यार, एक्स मुस्लिम नहीं है ठीक है, यार आप ही क्लेम करते हैं, आपकी शुरू वाली वीडियो फर्स्ट वीडियो आपकी है, हाउ आई बिकम एक्स मुस्लिम है, ये क्या बकवास है, ऐसे तो ना व्यूज के लिए बोलो, सब्सक्राइबर्स के लिए आप दिखे कर रहे हैं, ऐसे आपको तो एक्सपोज कर दिया है यार, ऐसे तो एक्सपोज ना करो ना यार हमें यार, प्लीज ना यार भाई यार, ऐसे तो नहीं वो करो कुछ ना नहीं यार। होता, पानी ये पी लो, देख पानी भाई पी लो। आज का सबसे बड़ा सुपर चैट आया मुझे तेरी वजह से, कहते हैं 2,500 रुपीज का विशाल सिंह ने सुपर चैट दिया है, धमाकेदार, कहते हैं वैम्पायर है ये वाला मोमिन। हैंडसम वैम्पायर है भाई, हाँ मैं वैम्पायर हूँ, चूस लूंगा सबको। क्या वैम्पायर क्या हैं ये इल्म की रोशनी जो होती है ना, इल्म की रोशनी जब इन पे पड़ती है तो इनकी हालत खराब होने लगती है। अली भाई एक मिनट, ये मैं चूसूंगा, क्या चूसोगे, कहाँ अली भाई एक सेकंड रुक जाए जरा, साहिल भाई बात करते हैं, का चूसेगा भाई, क्या चूसोगे, आपका गला गला चूसेंगे, क्या चूसते या उसे हैं लव बाइट कहते हैं, अब एक कमीने उसको लव बाइट कहते हैं। फिर गले के बाद कहाँ जाओगे, मुसलमान हूँ मैं, ऐसी गंदी हरकतें नहीं करूंगा, मैं गले के मुतदे क्या बाद गला चूसूंगा। कहाँ, अच्छा साहिल गले भाई के बाद डिनाई कर रहे हैं ना, बाइबल में भी मेंशन हुआ है मोहम्मद, साहिल दूसरा 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 सवाल कर दे साहिल, वो बोला उसके बाद क्या चूसना है, क्या चूसोगे उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, मोहम्मद इज मेंशन इन बाइबल यार। बता दो ओ ना यस एडम भाई, एडम भाई आपने पढ़ी है कभी वो बाइबल जिसमें मोहम्मद मेंशन है? सर अभी भाई बताएगा हमें, हमें बताएगा अभी, हमने तो नहीं पढ़ी यार, कहाँ है वो बाइबल? यार अच्छा एक कहाँ वीडियो पे, इसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छा कहाँ एक पे है, कहाँ पे, स्कॉलर ने, कहाँ पे है मोहम्मद, मोहम्मद बाइबल में कहाँ है, आप अच्छा यूट्यूब जाए प्लीज, मेरी बात मैं सुने, यूट्यूब नहीं जाता, मुझे बताए कहाँ है, किताब क्यों क्यों नहीं जाना, प्रूफ का है ना नाम और वहां, आयत का नंबर दे दें भाई, सुने ना आप अगर लिखेंगे वो वीडियो का भाई नाम किताब तो, का नाम और वर्स का नंबर दे दें, अभी कैसे दूं मैं, जैसे वीडियो जहां में से हो वीडियो, सब कुछ, जिस तरह वीडियो सुन के आए हो, अच्छा जिसने भी सर्च करना है लिखे मोहम्मद अरे इन बाइबल, मैं मैं बता किसी ने देता नहीं हूँ, करना दूसरे भाई में लिखे सर्च, मोहम्मद इन बाइबल, किसी कोई मर्सीफुल कुत्ते, सर्वेंट है एक कोई चैनल का कुत्ता नाम, होगा जो बोलेगा जो सर्च करेगा ये बात, मुझे बता दे आयत का नंबर और स्ट्रीम का नाम, सॉरी बुक का नाम और आयत का नंबर बता दे, मैं बता दूं, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 11 चलेगी ये वाली, जी जी दिखाएं दिखाएं चलेगी ये वाली, दिखाने, तो सही, अबे दिखाऊं भी मैं तो बुक और नंबर भी दे रहा हूं, मानता है कि हाँ वहां पे लिखा हुआ है, अच्छा ना आप स्क्रीन पे दिखा दें, सर स्क्रीन पे मैं एडम नहीं भाई दिखा ये रहा, बच्चा वहां पे है, दिखा इसको रहा, कुछ पता नहीं जी, मैं गाइडेड हूं ना, आप मिस गाइडेड हैं सब, सब मिस गाइडेड है, यस अच्छा जी ठीक है जी, सब मिस गाइडेड है, सब एडम, आप एडम सब, भाई ये यूट्यूब का देख, किसी मौलाना का देख के आता है यहाँ पे, इसको कुछ भी नॉलेज ना, ना कुरान का नॉलेज है आपको ना नहीं है बाइबल। ठीक है, चुप चुप चुप, हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय, दूध पी लो, हैंडसम बॉय, दूध हाँ दूध पी लो, दूध पी लो, ठंडा चुप दूध हो जाओ पी सब, चुप हो जाओ, फिंगर ऑन योर फ्रिज लिप्स, से ले लो, फ्रिज से चुप ले हो लो, जाओ सब, फ्रिज से ठंडा दूध ले लो ठीक है, जरूरत है जुजू ले आपको, लो, जुजू ले लो सब, मलाई के जुजू साथ, ले लो, मलाई के ठंडा साथ, ठंडा जुजू ले लो। मलाई के साथ, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं बाइबल में मोहम्मद, मैंने इसके पे वीडियो बनाई भी यस है तुम्हारी उस वीडियो के अगेंस्ट, तो पता है इस बात का, क्या फिर से बोले, नहीं मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई भी है अपने चैनल पे, तुमने देखी है पहले, चलो देखी, आप दिखाएं, सब देखें, अब चुप करके देखना, म्यूट करके, तो बाइबल में मोहम्मद दिखाते हैं आपको, अब म्यूट करके रखना और देखना।
आज हम बात करेंगे जनाबे हजरते जाकिर नाइक साहब के बारे में, जिन्होंने बाइबल में फाइनली मोहम्मद ढूंढ लिया है। चले सुनिए। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज आल्सो मेंशन्ड माय नेम इन द ओल्ड टेस्टामेंट। इट्स मेंशन्ड इन द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 इन हिब्रू। आई विल से it says hikum mumtakim bi kullu muhammadin zaidudi zairai baina jerusalem hebrew meri badhiya thi tale ko he's altogether lovely he's my beloved he's my friend oh daughter chahiye to bataiye na yaar the name of prophet muhammad peace be upon him is there it says muhammadin kit mante hain aap isko mante hain aap is baat ko muhammad mention hua hai ye hai muhammad the true religion मोहम्मद मानते हैं आप इस बात को सुन ले जरा दोबारा मान गए आप इस बात को यस मोहम्मद इम मेंशन हुआ है मोहम्मद इम मेंशन हुआ है ठीक है ओके ये ले आगे देखे चलो आओ देखे जरा आप उनकी पहले लफ्ज पे गौर कीजिएगा उन्होंने कहा है प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज आल्सो मेंशनड माय नेम इन द ओल्ड टेस्टामेंट नाम से बाय नेम मोहम्मद इज मेंशनड इन द बाइबल इन द ओल्ड टेस्टामेंट नाम से जबकि हम अगर कुरान को देखें नहीं, तो कुरान तो कहता है कि मोहम्मद नहीं वहां पे उसका नाम अहमद लिखा होगा बाय नेम मोहम्मद लिखा होगा या अहमद लिखा होगा एक मिनट कुरान के मुताबिक बाइबल में मोहम्मद लिखा होगा या अहमद लिखा होगा ये समझ नहीं आ रही क्या कहना चाह रहे कुरान जो लफ्ज बोलता है वो कहता है कि मेरे जो नाम लिखा होगा वो अहमद लिखा होगा मोहम्मद तो लिखा ही नहीं होगा मैं बाइबल की बात करूं ना बाइबल में तो लिखा हुआ है ना मोहम्मद लेकिन कुरान कहता है कि बाइबल में अहमद लिखा होगा मोहम्मद नहीं लिखा होगा अहमद लिखा होगा समझ नहीं आ रहा मुझे अभी समझ आएगा भी नहीं लेकिन चलो खैर वहां पे मोहम्मद का मतलब मोहम्मद नहीं है लेकिन कोई बात नहीं हम देखते हैं कि अगर एक ही जैसा नाम लिखा हो एक ही जैसा लफ्ज हो तो वो क्या होता है वहां पे मोहम्मद लिखा हुआ या मोहम्मद लिखा हुआ तो मोहम्मद है तो ना तो मोहम्मद लिखा हुआ है ना मोहम्मद तो नहीं लिखा हुआ मोहम्मद लिखा हुआ ना अब आगे बढ़ो आगे सुनो लेकिन चलो हम इसको भी छोड़ देते हैं कोई बात नहीं जाकिर भाई आपने ढूंढ लिया मोहम्मद दादर आपने मोहम्मद ढूंढ लिया है चलो कोई बात नहीं जाकिर भाई अगर मैं आपकी ये बात मान ही लूं कि अगर लफ्ज का तलफ्ज तकरीबन सेम सेम होना चाहिए और वो वही लफ्ज बनना चाहता है तो ठीक है मेरे भाई हिब्रू का लफ्ज अकबर हिब्रू में अकबर जो है वो चूहे को कहते हैं हिब्रू में अकबर चूहे को कहते हैं ये जरा सुनिएगा अकबर अखबर दोबारा सुनिएगा अखबर ये है माई हिब्रू डिक्शनरी अकबर अखबर अकबर का मतलब क्या है चूहा माउस चूहा व्हाइट वाला हो या ब्राउन वाला हो चिट्टा हो या काला हो या ब्राउन हो तो मेरे भाई जाकिर आपकी कहानी के मुताबिक अल्लाह एक चूहा है अल्लाह चूहा अल्लाह चूहा अल्लाह चूहा अल्लाह चूहा अल्लाह चूहा अल्लाह चूहा अगर मोहम्मद का मतलब मोहम्मद होता है तो भाई फिर अकबर का मतलब चूहा होता है आप अल्लाह चूहा क्यों नहीं बोलते रोज वो यार वो डिफरेंट लैंग्वेज है यार तो फिर बैंस की तुम यही तो बोल रहे हैं कि वो डिफरेंट लैंग्वेज है मोहम्मद का मतलब मोहम्मद नहीं होता वो मोहम्मद हिब्रू जुबान का लफ्ज है मोहम्मद जिसका मतलब होता है ऑल टुगेदर लवली बहुत खूबसूरत मोहम्मद नॉट मोहम्मद हिब्रू में मोहम्मद ढूंढा है तो हिब्रू में अकबर का मतलब होता है चूहा अगर हिब्रू सॉन्ग सुलेमान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 11 के अंदर मोहम्मद का मतलब मोहम्मद बन गया है तो अकबर का मतलब चूहा होता है अल्लाह चूहा बोला करो रोज एडम चुआ चल जा दफा हो जा गेट लॉस्ट बकवास यार अली भाई खत्म हो गई गेम इसकी कुत्ता तू कुत्ता ओह मैन छोटे छोटे बच्चे हैं इनको चाहिए कि अभी स्कूल कॉलेज जाएं कुछ सीखें पढ़ें कुछ करें या किसी मोतबर आलिम के पास ही चले जाएं पूछने के लिए वीडियोस देख के मतलब सोर्स ऑफ रेफरेंस क्या है यूट्यूब वीडियोस
محمد کو اگر محمد بنانا ہے تو پھر اکبر چوہا ہے تو پھر اللہ چوہا بولتے جاؤ یار. یعنی دس از ہاؤ اسٹیوپڈ دیز پیپل آر. ہائے بھائی دبے محمد چار جگہ پہ یوز ہوا ہوا ہے اور محمد ایک مری ہوئی عورت کے لیے بھی یوز ہوا ہے. محمد پھر اگر مری ہوئی عورت ہے بیسیکلی. اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کا بیٹا کیا, خدا کا بیٹا کیا, وہ خدا جو آدم کو ہاتھوں سے بنا رہا ہے تو ہاتھوں والا خدا ہو سکتا ہے, اولاد والا خدا نہیں ہو سکتا. یار بچوں والی کہانی ہے ان کی, بچوں والی کہانی ہے. جی ہمارے پاس ایک اور بندہ آیا ہے, اس کا نام ہے بلیسڈ مسلم. ایک نئے نام سے آ جایا ہے. جی جناب بلیسڈ مسلم, آپ ہر دفعہ نام کی چینج کر کے آتے ہیں. کچھ نہیں یار, مجھے خالد بن ولید پسند نہیں آیا, میں کہیں سے زیادہ اچھا ہی ہے. ہوئے 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 ہوئے. جی جناب حکم. اچھا اچھا وہ جو کے بارے میں مونوتھیزم کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. نہیں نہیں میرے پاس ایک اور ریفرنس ہے جس میں اچھا پروفٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی پروفٹ آیا کیوں نہیں آپ لوگوں کا. کوئی بات نہیں, مجھے یہ بتائیے کہ آپ جون 16:12-14 تک اب یہ پڑھیں اور یہ سمجھائیں مجھے, مطلب آیا کیوں نہیں آپ کا پروفٹ. جیزس کے بعد تو کوئی آیا نہیں آپ کا. یار وہ پروفٹ جو تھا نا وہ پروفٹ نہیں تھا, وہ پیراکلیتوس ہے جو کہ ایکٹس آف اپوسل چپٹر نمبر 2 کے اندر آ گیا تھا, جا کے پڑھ لینا. اب آپ مجھے یہ بتا دیں مونوتھیزم ان اسلام پلیز. مونوتھیزم مطلب توحید. ہاں جی اسلام میں توحید بتائیں آپ. تو یہ دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو میں نے تو آپ کو دکھایا تھا کل لاسٹ ٹائم لاسٹ سیٹرڈے کو دکھایا تھا کہ محمد نے بھی اپنی عبادت کروائی تھی. میں نے وہ ٹھیک ہے میں تو وہ ہوں یار, میں تو نہیں پچھلے سیٹرڈے رکا ہے جو کمنٹ میں نے کیا تھا. کیوں نہیں پڑھا تھا تم نے کی حدیث بھیجی, حدیث بھیجی تھی نیچے آپ نے بتایا تھا کہ آ جانا. اچھا آپ وہ بولے ہو کون سی حدیث دی تھی ذرا بتانا. ہاں حدیث میرے خیال میں یہ تھی کہ نہیں خیال میں نہیں ہے یہ تھی کہ عمر نے کہا تھا یہ کالا پتھر اگر اچھا کالے پتھر والے آیا میرا پیارا پپو بھائی آیا. اچھا عمر نے کیا بتایا تھا بتا دے. عمر نے تو یہ بتایا تھا نا کہ کالا پتھر ہے اگر تم تو ایک کالے پتھر ہو اگر من محمد کو تم مطلب نبی کو نہ تمہیں دیکھا ہوتا چومتے ہوئے تو میں کبھی چومتا ہی نہ تم. اوکے تمہاری حیثیت ایک پتھر والی. چلو میں آپ کے لیے وہ حدیث کھول دیتا ہوں. میرا پیارا بھائی میرا پیارا پپو پپو بھائی یہ پہلے کچھ سپر چیٹس لے لیں آپ ذرا ویٹ کریں گے تھوڑا. آسیت گاندھی جی بولتے ہیں 999 سپر چیٹ کے ساتھ میرے بھائی لوگوں کی بھگوان رکشا کرے. تھینک یو سو ویری مچ سر, بہت بہت دھنیواد سر آپ نے سپر چیٹ دیا, بہت بہت شکریہ. کچھ اور سپر چیٹ ہمارے یہ پیارے محمد بھائی کے درمیان میں آئی تھی. ایک ہمارے پاس گری آر جی آئے تھے, انہوں نے آسٹریلین 30 کا سپر سٹیکر بھیجا سر, بہت بہت شکریہ سر, اپریشیئٹ اٹ. اور ایک ہمارے پاس ہرویندر سنگھ جی آئے ہیں, انہوں نے 100 روپیز دیا ہے. کول مومن آگے کیا لکھا ہوا ہے ہندی میں کوئی اور پڑے گا سر. 100 روپے لے اور جا کے چھولے بھٹورے کھا لے. چھولے کوچے. اوکے یہ سر آگے ایک اور سپر چیٹ ہے, یہ کوئی پڑھ لے سر. امیت بھائی آپ ہی پڑھ لیں. ہم آپ کو ایکسپوز کریں گے پھر آئیں گے, بار بار آئیں گے, سب مس گائیڈڈ کو گائیڈ کریں گے, دودھ پلائیں گے, ہینڈسم رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سر یہ پڑھ لیں سر. لگتا ہے روہن سنگھ بھائی آج فلائٹ اٹھا رہے ہیں. سیمز لائک اٹ, بالکل درست فرمایا ہرویندر سنگھ نے جی. ہرویندر سنگھ کا ایک اور آیا سر, پڑھیے گا سر. بھائی یہ لوگ اچھا پڑھے لکھے اور زندگی میں کچھ نہ کچھ ترقی کریں. ارے بہترین سر, تھینک یو سر. آگے سر یہ پڑھ لیتے ہیں. اس کی نالج کا قتل کر دیا ایڈم بھائی نے. اوکے ورن جی کہتے ہیں ڈیڈی جسٹ سیڈ اللہ از چوہا. جی سر بالکل, اگر ہیبرو کو لینا ہے انہوں نے تو. آگے پڑھتے ہیں ہل سائیڈ. برادر ایڈم تھینک یو فار پکنگ دس سبجیکٹ ٹوڈے, آئی ایم لرننگ ا لٹ, مے دی لارڈ جیزس کرائسٹ بلیس یو اینڈ کیپ یو سیف. تھینک یو سو مچ ہل سائیڈ. لاسٹ والی سٹریم بھی ضرور دیکھیے گا سر, وہ اس کا پارٹ 1 تھا. آر ڈی جائیں کہتے ہیں چکنے نے سر, یہ امیت بھائی آپ کو چکنے نے اڑتا تیر لیا ہے پنگا لے کے. اسے پتہ نہیں کس کے سامنے بول رہا ہے. ورن جی پھر آئے, اس نے سیلف گول کر لیا ہے جناب. گڈ ون جی سر, یہ بھی لیجئے سر. امیت بھائی ایڈم بھائی کبھی آپ جفر نامہ بھائی گرو گوبند سنگھ سننا, یوٹیوب میں گزب میڈیا کی ویڈیو ہے, پلیز دیکھنا. یہ سر تھینک یو سو ویری مچ. ایگ ہیڈ صاحب آئے ہیں کہتے ہیں ایڈم
शुरू होने से पहले गेम खराब कर देता है यार तुम। शुरू होने से गेम कर। हाँ जी प्लीज कंटिन्यू सर। आए हैं आज ऐसा लग रहा है कि मोहब्बत का जनाजा जा रहा है कोई। यार अमित भाई पढ़े यार, मैं सारी जना कर दी है हिंदी के साथ। मोहब्बत का जनाजा जा रहा है कोई सर सरकाए ताए सरकाए ते मोर आए मोर आए मोमिन हजूर दी इज्जत संभाल को एडम अब्बू जी सलगाए। अरे पंजाबी में है सर, नहीं समझ में आ रहा। ओके थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू सर। थोड़ी आसान हिंदी, थोड़ी आसान पंजाबी लिखा करें सर, भी हमें भी पढ़ा जा सके सर। थैंक यू, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच सर। नमिन काफी जी आए हैं। पहले मोमिन इस्लाम की तबलीग करते थे, अब इस्लाम को बचाने के लिए हिंदू और क्रिश्चियन स्क्रिप्ट की कमियां ढूंढते हैं यूट्यूब पे, रोते रहते हैं सर। वो रो रो के ही उनका ये हालत हो गया ना, अभी बच्चे आते हैं ना वो भी हम खत्म कर देते हैं जी सर। एवरीवेयर साहब आए हैं, कह रहे हैं